स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फुटपाथ पर मनपा का डंपर सरपट दौड़ा जा रहा है और ठीक उसके पीछे एक राजनीतिक पार्टी का फुटपाथ पर अवैध दफ्तर बना हुआ है। ये ऐसा दृश्य कहीं और नहीं दिखेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मीरा भाईंदर में दिखेगा, यहीं पर दिखेगा। क्योंकि सुना है मनपा ने 131 अवैध बांध काम की लिस्ट बनाई है जिसमें कुछ बियर बार है उन्हें तोड़ा जाएगा। इसे सुनकर यहाँ के राजनेता जाग गए हैं और राजनीति करने लगे हैं। लेकिन जिन पार्टियों के नेता आवाज उठा रहे हैं, क्या एक बार भी उन्होंने खुद के गृहबान में झांक कर देखा है खुद उन्होंने कितने अवैध कामों को अंजाम दिया है? सड़क के बीचों बीच ऑफिस बनाकर बैठ गए, देखिए आपके सामने, जिसकी बिजली का कनेक्शन अवैध, पानी का कनेक्शन अवैध, कोई किराया कुछ भी खर्चा नहीं, कोई रोक नहीं सकता, जबरदस्ती कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं। ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता खुद को जनता का सेवक कहते हैं। अब ये जनता तय करेगी ये क्या सेवा करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी यहाँ के अध्यक्ष हैं, हम जानना चाहेंगे कि पिछले दो दिन से सोशल मीडिया में और मीरा भाईंदर के लोकल अखबारों में मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो अवैध बांध काम की लिस्ट बनाकर उनको तोड़ने की कार्यवाही के जो आदेश दिए, जिस पर यहाँ के जो नेता हैं उनकी राजनीति के समाचार आ रहे हैं, उसके बारे में आपसे जानना था। आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर क्या सोचती है? जैसे कि अभी जो नगर पालिका ने लिस्ट जारी की है 131 अवैध बियर बार के जो कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ने का, तो इस पर राजनीति सभी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन वो सभी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, वो समय समय पर मीरा भाईंदर में सत्ता में रही है और इन्हीं के बलबूते पर, इन्हीं के आश्रय पर मीरा भाईंदर के अंदर इनलीगल कंस्ट्रक्शन, चाहे वो बिल्डर का हो, चाहे अवैध बियर बारों का हो, चाहे सड़क का हो, ये सब कारोबार इनके ही देख रेख में यहाँ पर मीरा भाईंदर में फला फूला। आज जब ऐसे हालात में जब ये 131 जो इनलीगल बियर बार को तोड़ने का जो आदेश दिया गया है वो पूरी ईमानदारी से और साफ नियत से हो, इसके लिए सभी को प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन बीच बीच में ऐसे समझ में आ रहा है कि उसे बचाने की कोशिश काफी राजनीतिक पार्टियां जो कर रही हैं, उसको तोड़ने के लिए इसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बनाया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी वो सारे जो भी अवैध हैं, चाहे वो बियर बार के हों, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के ऑफिस के भी हों, चाहे बिल्डरों के हों, अवैध बांध काम को तोड़ना ही चाहिए। क्योंकि इससे जो यहाँ पर गुनाहगार प्रवृत्ति के जो बिल्डर हैं, जो माफिया हैं, जो जिस तरीके के काम करते हैं, उनका मनोबल इस तरीके के कंस्ट्रक्शन से बढ़ता है जो इस शहर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आपको लगता है मनपा इस पे सीरियस होकर के और इस अवैध का बांध काम को तोड़ेगी? क्योंकि पहले के अनुभव आपके रहे, आपने बहुत सारी शिकायतें की है, लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्यवाही होती दिखी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने जब भी इस विषय पे आवाज उठाई तो काफी इसका इम्प्लीमेंट भी हुआ, लेकिन निरंतर उसके ऊपर फॉलोअप नहीं होने के कारण वो चीजें नहीं हो पाई। लेकिन अभी जो लिस्ट जारी की है उसके अंदर हम लोग पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं, वो सभी अवैध बांध काम को तोड़ने के ऊपर हमारा पूरा ध्यान है और जल्द से जल्द हम इसके ऊपर एक लेटर कमिश्नर को भी देंगे कि अगर इस तरीके का पॉलिटिकल ऑफिस भी है, क्योंकि आप देखेंगे जो राजनीतिक पार्टियां इन सारे चीजों को इश्यू बनाए हुए हैं, उन सभी राजनीतिक पार्टियों के इनलीगल ऑफिस हैं, कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी बची नहीं है जो कि किसी न किसी बहाने उन्होंने अपने ऑफिस का इनलीगल कंस्ट्रक्शन न किया हो। लेकिन वो सब आज जो है अपने ऑफिस के अंदर लगी इनलीगल जो कार्रवाई उनकी पार्टी ने की है उसको न तोड़ते हुए सिर्फ दूसरों की तरफ उंगली उठा रहे हैं। अगर हम एक उंगली अगर दूसरों की तरफ उठाते हैं तो चार उंगली हमारी तरफ भी रहती है। ये बात उन सभी राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए जिन्होंने मीरा भाईंदर में इनलीगल ऑफिस, पार्टी ऑफिस बनाकर रखी है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के ऑफिसों पर कार्यवाही आज तक तो नहीं हुई, आपको लगता आगे होगी? होनी चाहिए, अगर इनलीगल है वो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी यही मांग है कि वो 131 बियर बार के साथ साथ में वो सभी राजनीतिक पार्टियों के इनलीगल जितने भी उन्होंने जगह एक्वायर किया हुआ है या इनलीगल ऑफिस बनाया है वो सभी को तोड़ा जाए।
तो अभी हम मानेंगे कि इसमें राजनीतिक पार्टियां भी पूरी तरह से ईमानदारी से इस चीजों को करने में उतर आई हैं, वरना ये सब सिर्फ पैसे वसूली का एक धंधा बनकर रह जाएगा। और लेकिन हमारी इसके ऊपर पूरी तरह से नजर है। इस बार उम्मीद करेंगे कि आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर लगातार फॉलोअप करेगी इस अवैध बांध काम के खिलाफ। जरूर। थैंक यू। थैंक यू।